यहाँ चिकन काफ़ी ज़्यादा कटता है और चिकन का कटिंग चल रहा है। लोग मस्त यहाँ पे पोर्क बनवा रहे हैं। भुरटा हुआ कलेजी नहीं क्या जी? अपना कलेजी राइट। यार है और इधर ये हमारा गरम है ना चावल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंड्स ऑफ झारखंड में। तो हर बार की तरह से फिर से हम लोग आ गए हैं गांव देहात के बाजार में, गांव देहात का बाजार आपको दिखाने के लिए और उस बाजार को एक्सप्लोर कराने के लिए। तो आज हम जिस बाजार में आए हैं उस बाजार को चैटरी बाजार के नाम से जाना जाता है और ये बाजार सिर्फ शनिवार को लगता है। और बाजार की बात करें तो ये रिंग रोड के जस्ट बगल में लगता है और रांची से इसकी दूरी आपको पड़ने वाली है 15 किलोमीटर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेके चलते हैं आप लोगों को बाजार में और दिखाते हैं यहाँ पे आज क्या कुछ खास होने वाला है। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और बाकी की बातें हम चलते हैं बाजार के अंदर और वहीं पर करते हैं। तो दोस्तों ये है चैटरी बाज़ार जो कि छोटा पर बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। और यहाँ पे आपको नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज की हर वेराइटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। चिकन, मटन, पोर्क, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। और ये बाज़ार आपको सैटरडे को मिलता है। तो बाज़ार काफ़ी खूबसूरत है। चिकन का यहाँ पे देखिए ढेरा लगा हुआ है और ये सारे चिकन आज इस बाज़ार में ख़त्म होने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ये तो बाज़ार स्टार्ट हुआ है। ऐसे ऐसे जो स्टॉक हैं आपको इस पूरे बाज़ार में दिखने वाले हैं। तो ये नॉनवेज का काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पूरा स्टॉल आपको दिखेगा और यहाँ चिकन काफ़ी ज़्यादा कटता है और चिकन के साथ साथ में आपको यहाँ पे पोर्क भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है पोर्क का भी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चिकन का कटिंग चल रहा है। तो दोस्तों हम ले रहे हैं अभी चिकन का पोर्ट कलेजी। कलेजी तो ज़्यादा डालिए। आज हम इस बाज़ार में बनवाने वाले हैं पोर्ट कलेजी। पोर्ट तो बन पोर्ट हाँ ये तो डाल दी कलेजी नहीं देते हैं। वो हमारा पोर्ट कलेजी वजन हो रहा है। ये है चैटरी बाज़ार। लोग भैया जी लोग मस्त यहाँ पे पोर्क बनवा रहे हैं। यहाँ पोर्क भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का मिलता है, प्योर देसी पोर्क मिलता है। और कुछ इस तरह से आपको इस मार्केट का नज़ारा देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप हमारा चिकन यहाँ पे बनने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना चिकन का जो पोर्ट कलेजी होता है वो ले लिया है और दुकान पे उसे दे दिया है। तो यहाँ पे बनाने का चार्ज है आपको 80 रुपये केजी, मगर आपको अलग से उसका मसाला देना पड़ता है। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं मसाला लेने के लिए। तो लेके चलते हैं आप लोगों को मसाला कैसे और कहाँ मिल रहा है और कैसा उसका दाम है। तो बने रहिएगा। तो दोस्तों ये रहा लहसुन, आदी, मिर्चा और प्याज, बाकी सारे मसाले यहाँ पर हैं। और अभी हम फिलहाल यहीं से लेने जा रहे हैं। और ये जो आपको एक जो दिख रहा है वो 25 का है। देवा चाचा एक ठो कैसे ना। तो जैसा कि देख रहे हैं वो चिकन जो है वो अपनी दुकान के लिए ये बना के रखे हैं चाची जी। और ये जो चिकन है ये 20 का 4 पीस आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो सुजीत जी से रहा नहीं गया तो चाची जी के पास से ये 20 का चिकन ले करके और ट्राई कर रहे हैं। तो कैसा है चिकन सुजीत जी? पानी का बोतल है, बहुत टेस्टी है। तो कैसा लगा बाज़ार आपको? मस्त ना। मज़ा आ गया? भुरटा हुआ कहले जी नहीं। यहाँ पे ये भैया जी अपना कलेजी साग में डाले हुए थे और इसे पका करके और ये खाने वाले राइट।
तो ये हमारा प्याज चला गया है कढ़ाई में। अब हमारा चिकन बनना शुरू हो चुका है, हमारा मसाला कूटा जा रहा है। ये हमारा आदि लहसुन और मिर्चा का जो कूटा हुआ मसाला था वो कढ़ाई में जा चुका है, और फिलहाल रोहित जी चाची जी की मदद कर रहे हैं। और ये हमारा चिकन भी जा चुका है कढ़ाई में। कितना आधा किलो लिए थे? ये हमारा चिकन, और ये नमक भी चला गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नॉनवेज के शौकीन लोगों का यहाँ भीड़ लगा रहता है, नॉनवेज के प्रेमी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दोस्तों मस्त इसमें अब हल्दी चला गया है और कलर जो है चिकन का अब अपना रंग पकड़ना शुरू हो गया है। और बाकी इधर इनके स्टॉल पे ये जो बना बनाया चिकन है वो भी आपको मिल जाता है, तो आप आकर के यहाँ पर बना बनाया चिकन भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि 20 का 4 पीस आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो अब बाज़ार धीरे धीरे लगना शुरू हो चुका है। तो हमारा चिकन बन के हो चुका है रेडी, और आज आपको दिखाते हैं चड्री बाज़ार का स्वाद क्या होता है। और हो गया है रेडी, और आंटी जी इसे सर्व कर रही हैं। और इधर देख सकते हैं आप कढ़ाइयों की लाइन लग चुकी है, क्योंकि अब धीरे धीरे बाज़ार लगना चालू हो गया है। तो जैसे जैसे बाज़ार लगेगा वैसे वैसे लोगों की यहाँ भीड़ होती जाएगी। और हमारा चिकन बन के हो गया है अभी, चाची जी अभी कर रही हैं उसे सर्व। तो सर्व कराते हैं चिकन को और बताते हैं आपको कि कैसा हमारा चिकन बना है और कैसा उसका टेस्ट है। तो दोस्तों हमारा चिकन सर्व होने लगा है, तो लेके चलते हैं इसे और टेस्ट करके बताते हैं कैसा हमारा चिकन। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मस्त आपको छिलका रोटी और ये गेहूँ का आटा का रोटी आपको मिल जाता है। तो छिलका रोटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 रुपये पीस छिलका रोटी पड़ने वाला है। तो मस्त आप 6 रुपया पर पीस के हिसाब से यहाँ छिलका रोटी ले सकते हैं। रोहित जी, तो रोहित जी अभी अपना बेंच बनाने में लगे हुए हैं क्या सर जी? हाँ सर। कब तक आज तैयार हो जाएगा? एकदम हो गया सर, बन गया रोहित जी का बेंच। तो दोस्तों ये हमारा मड़ुआ का छिलका रोटी और ये चावल का छिलका रोटी बन के तैयार है। और इधर ये हमारा चिकन जो कि लाजवाब दिख रहा है। और बाकी इससे शुरुआत करने के लिए हमारे सुजीत भाई तैयार हैं। सुजीत जी टेस्ट करिए और बताइए कैसा है। टेस्ट कर जल्दी करने के। अच्छा, तो सुजीत जी टेस्ट करके बता रहे हैं कि कैसा चिकन बना है और छिलका रोटी कैसा लगा। बहुत टेस्टी छिलका रोटी, मज़ा आ गया। एक नंबर। गरम है ना? मस्त है ना? कैसा है सुजीत जी, जंगल के बीच में चिकन खा रहे हैं, मज़ा आया? बहुत मज़ा आ रहा। टेस्ट कैसा है चिकन का? बहुत मज़ा आया ना। तो चलिए इसे करते हैं हम इंजॉय। तो दोस्तों हमारा चिकन बन के हो गया है रेडी, और कलर काफ़ी ज़बरदस्त है और खुशबू भी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। इसे करते हैं हम ट्राई। देसी मसालों का स्वाद ही निराला होता है, और ख़ास करके लकड़ी के बने चूल्हे जो होते हैं उनका स्वाद लाजवाब होता है। और ये रहा हमारा छिलका रोटी।
चावल का छिलका रोटी है ये। मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो फिलहाल हम करते हैं इस चिकन को इंजॉय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आती रहें। तो फिलहाल हम इसे करते हैं इंजॉय और मिलते हैं किसी ऐसे ही ज़बरदस्त और खूबसूरत देसी बाज़ार और ट्राइबल मार्केट आदिवासी बाज़ार में। तब तक के लिए धन्यवाद।